नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। एमपी के बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम सरोला में दो पक्षों में जमीनी विवाद के चलते गोली चलने का मामला सामने आया है। यह पूरा मामला जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर ग्राम सरोला का है, जहां दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि ग्वालियर निवासी गजेंद्र सिंह का विवाद बुरहानपुर शहर के राजपुरा निवासी बाकी मीर से चल रहा था। इसी के चलते मंगलवार की सुबह दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गजेंद्र सिंह व उसके रिश्तेदारों ने बाकी मीर व उनके पुत्र तौसीफ मीर पर हमला कर दिया। इसी बीच गजेंद्र के रिश्तेदार ने तौसीफ मीर के पैर पर गोली मारकर उसे घायल कर दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके पास से राइफल जब्त कर मामले की जांच कर रही है। आईबी इंडिया न्यूज़ के लिए बुरहानपुर से मुश्ताक भोपाली की रिपोर्ट। विवाद है, जमीन का विवाद राजस्व न्यायालय से पक्ष में आया, एक पक्ष में। तो आज अपना कब्जा लेने के लिए वहाँ पहुँचे थे, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ। विवाद के बाद में सूचना आने पर पुलिस लेके आई है, जिसमें घायल हुआ है और घायलों को इलाज के अस्पताल भेजा गया है, जिसमें से एक को पेट में गोली लगना पता चला है और बाकी और भी एक दो लोग घायल हैं। इनका इलाज करवा के विधिवत कार्रवाई करवाई जाए। सर, इसमें कौन से मामले में, मतलब कौन सी धाराओं में केस दर्ज हुआ है? नहीं, केस अभी दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि अभी बयान हो रहे हैं, बयान के आधार पर सारी चीज़ें कार्रवाई करेंगे। उसमें जो भी संबंधित धाराएं होंगी, धाराओं में केस दर्ज। ठीक है सर, कुछ राइफल जब्त हुई वो सारी चीज़ें इनकी हिरासत से हम लोग तलाशी लेंगे, फिर जो भी होगा इनके पास भी सारा जब्त करेंगे।